वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आयशा के नेतृत्व में बीएड सत्र 2017-19 के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम बीए पार्ट वन के परीक्षा परिणाम घोषित करने को लेकर हजारों छात्र ने किया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। विगत दिनों बीएड सत्र 2017-19 के परीक्षा परिणाम घोषित करने को लेकर प्रदर्शन किया गया था और कुलपति समेत सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि परीक्षा परिणाम 15 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा, पर अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ। एक तरफ कुलपति महोदय आंदोलन पर रोक लगाने का फरमान जारी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य अंधकार में धकेलने का इस तरीके के तुगलकी फरमान छात्र संगठन आयशा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और छात्र को जायज मांग के साथ हमेशा लड़ता रहेगा। पिछले दिनों जो एग्जाम परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, उन्होंने घोषणा किया था कि बीएड 2017-19 का परीक्षा परिणाम 15 सितंबर को हम घोषित कर देंगे, लेकिन अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है और छात्रों का जो भविष्य है वो अंधेरे में लटका हुआ है। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो छात्रों के भविष्य के प्रति इतनी भी चिंतित नहीं है, इसीलिए आज हम लोग एग्जाम को उन लोग का घेराव कर रहे हैं और हम लोग का मांग है वो आज ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, क्योंकि छात्रों का जो है शिक्षक का जो बहाली आया है, शिक्षक का जो पत्रता परीक्षा होने वाली है उसमें फॉर्म भरना है और उसमें बीएड पास डिग्री मांगा जा रहा है, इसके लिए छात्र जो है काफ़ी चिंतित हैं। छात्रों का जो है भविष्य अंधेरे में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के लिए हम घेराव किए हैं। हमारा मांग है कि परीक्षा परिणाम।